हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज इस टाइम पे 9:30 हो रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट रूटीन। और ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। मैं कैसे बनाती हूँ आलू के पराठे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, काफी लेट हो चुका है वैसे भी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि बनाने में भी काफी टाइम लग जाता है आलू के पराठों को। तो इसलिए बिना कोई देरी करे और बिना मैं बात कोई बात करे, अब मैं सीधा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आलू में मसाला दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च दिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा नमक, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे मैंने एक भुना अपना घर का मसाला लिया है। इसमें मैंने धनिया साबुत धनिया, जीरा और लाल मिर्च पीसा था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिवड़ा मिला रही हूँ, जो पोहा जो होता है उसे मैंने पीस के रखा था, ताकि इससे पराठे अच्छे ही बनते हैं, इनफैक्ट फटते नहीं हैं, जो कई बार फट जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने आलू को मैश कर लिया है और अब उसके बाद मैं इसको पराठे बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। पराठे तैयार कर रही हूँ, अब तवा गरम करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे आलू को भरने के लिए रोटी बना ले रही हूँ पहले। फैक्ट इससे जो मैंने जैसे आटे को करा है, मेरा जो पराठा है वो फटता नहीं है, बहुत अच्छा भी बनता है, सॉफ्ट भी बनता है और बिना फटे काफ़ी अच्छा बनता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि पराठा फटा नहीं है ज़रा सा भी, जैसे आलू बाहर निकल जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैं पराठे को बड़े धीमी आँच पे सेकती हूँ, एकदम जो करारा टाइप पराठा होता है मैं वैसे करके ही बनाने की कोशिश करती हूँ और वैसा ही बनाती भी हूँ, जो अच्छा भी लगे। और यहाँ पे मेरा दूसरा पराठा भी सिक चुका है, मतलब सिकने की तैयारी पे। हाँ, सिक चुका है पूरा पराठा और आप देख ही सकते हैं कि पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन रहा है। कोई भी पराठा मेरा फट नहीं रहा है। जो ये मैंने चिवड़ा मिलाया था पाउडर में, तो वो बहुत ही अच्छा बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसको सर्व करा है टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ, थोड़ा मेयोनीज और लस्सी के साथ। ये था मेरा एक छोटा सा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और आप लोग भी मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग आलू के पराठे कैसे बनाते हैं। मोस्टली सबका तरीका एक होता है, पर यहाँ पे मैंने अपने कुछ मसाले जो मैंने बना के रखे थे, मैंने उसका यूज़ करा है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।